रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। दोनों फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित कपल हैं। दोनों ने 14 नवंबर 2018 को शादी रचाई थी। कपल ने इटली में ग्रैंड वेडिंग की थी। शादी के लगभग 5 सालों के बाद अब दोनों का वेडिंग वीडियो सामने आया है, जो आते ही छा गया। वेडिंग वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल 26 अक्टूबर से OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म मेकर करण जौहर का शो कॉफी विद करण का 8वां सीजन शुरू हो रहा है। शो में रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण पहले गेस्ट होंगे, जहां पर करण दोनों से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई तरह के सवाल करने वाले हैं। इसी शो में रणवीर दीपिका की शादी का वीडियो भी दिखाया जाने वाला है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो की शुरुआत में रणवीर सिंह बताते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह दीपिका को प्रपोज किया और फिर कैसे पेरेंट्स से दोनों ने अपने बारे में बात की। वीडियो में आगे हल्दी, मेहंदी और शादी की झलकियां देखने को मिल रही है। दोनों साथ फेरे लेते नजर आ रहे हैं। दोनों का ये वीडियो काफी खूबसूरत लग रहा है और रणवीर दीपिका काफी खुश दिख रहे हैं। रणवीर डांस करते भी नजर आ रहे हैं। जैसे ये वीडियो सामने आया, दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए। बता दें कि कुछ समय पहले कॉफी विद करण का एक प्रोमो वीडियो सामने आया था, जिसमें रणवीर दीपिका अपनी लव लाइफ पर बात करते दिखे थे। करण ने पूछा कि क्या दोनों ने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली थी। इस पर रणवीर ने कहा कि उन्होंने दीपिका को 2015 में प्रपोज किया था। मजाकिया अंदाज में वो कहते हैं, कोई और चप्पल रखे, उससे पहले मैंने रख दिया।